उत्तर प्रदेश के शोकाबाद में पूर्व मंत्री अशोक यादव ने सिरसागंज विधायक पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री अशोक यादव ने सिरसागंज विधायक के खिलाफ क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। शुकाबाद में आज पूर्व मंत्री अशोक यादव ने सिरसागंज विधायक पर साधा निशाना। यह विधायक मेरे बराबर के बैठने लायक नहीं है। मुझ पर कई दिन पहले एक झूठा मुकदमा लगाया गया था। वह मुकदमा विधायक सिरसागंज द्वारा ही लगवाया गया था। जो अभी जब भी चुनाव आते हैं ये मेरे लिए एक साजिश रचने लगते हैं। उन्होंने कुछ केसेस शाम को ही लगा दिए, उनकी मैं लिस्ट दूंगा। फिर मैं लड़ाई 96 में जीता, मैं सरकार का मिनिस्टर बना, मुझे जेड सिक्योरिटी हुई। उसके बाद भी मुलायम सिंह के कुछ केसेस चलते रहे, उन्होंने जो अपने रिजीम में लगाए थे। और 96 में जब मैं लड़ रहा था चुनाव, तो बीजेपी के टिकट पर लड़ा, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी मुझे ज्वाइन कराने आए, तो मेरे बूथ कैप्चर करने यही क्या नाम ये जो अब एमएलए हो गए क्या नाम सिरसागंज से, ये बूथ कैप्चर करने वहाँ आ गया बलारपुर। अब मेरी बूथ कैप्चर करना आसान तो है नहीं भाई, तो इसको मारना पड़ा बुरी तरह। इसके साथ एक लड़का था, कोई दूध बेचता था, राम सेवक पता नहीं कौन, उसको वो भी पिट गया बिला बेचारा। ये तो इतने पिटे कि फिर बहुत शर्मिंदा हो गए, वो भी मुकदमा चल रहा है। फिर मैं मैनपुरी गया पार्लियामेंट लड़, लखनऊ में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, और मुलायम सिंह के खिलाफ कोई टिकट नहीं मांग रहा। मुझे अटल जी ने बुलाया, होम मिनिस्टर ने कहा कि आपको लड़ना है, 20 दिन बचे थे, मैं जेड सिक्योरिटी में था, मैं मुझे और मुलायम सिंह को एक साथ पर्चा दाखिल करना, हमने करा। मुलायम सिंह पहली बार पार्लियामेंट छोड़ के संभल चले, क्योंकि मेरा नॉमिनेशन हुआ था, शायद 1.5 लाख लोग आए, वो उतनी भीड़ भाड़ देख के चले। फिर वो जब चुनाव हुआ तो बलराम सिंह को बुला लिया, तो मुलायम सिंह ने 26 मीटिंगें करी। फिर वो कलेक्टर चीफ मिनिस्टर के कहने से बेईमानी करने लगा, फिर मैंने कलेक्टर को मारा, उसका मुकदमा अलग चल रहा है, हालांकि मैं मिनिस्टर था, जेड सिक्योरिटी में था। फिर मेरी राजनाथ सिंह ने जेड सिक्योरिटी हटा दी, फिर उसका मुकदमा चला, फिर उसका नीचे चला, फिर हाईकोर्ट में चला, उसने मेरे खिलाफ नोएडा मुकदमा लगा दिया। वो 2 साल लड़ा, उसमें मेरी पता नहीं कितने महीने बाद जमानत हुई, तो चीफ मिनिस्टर ने शर्मा के वो वापस कर लिए जब पता चला झूठे। मैंने कहा मैं नहीं, मैं तो लड़के आऊँगा। वो बार के अध्यक्ष थे, उनकी मारपीट कर दी, वो भी लड़ा, उसमें 6 लड़के जेल में चले गए। रोड रेस के मुकदमे, मेरा भाई मुनीर का में आ रहा था, बड़ा मेरे से, उसकी मारपीट कर दी मुनीर का में भाई लोगों ने, वो काउंसलर था लड़का, उसको मारा, वो लड़ा, अटेम्प्ट टू मर्डर बन गया। फिर कोई एक झगड़ा हो गया, फिर मैं हिमाचल गया, फिर उसको एक दिन मारा, उसका मुकदमा अलग चला, अपने पैसे मांगने गया मैं। फिर मैं बताता हूँ, नोएडा, लखनऊ, मुलायम सिंह, राजनाथ सिंह, सब मेरी दबंगई के मुकदमे अलग हैं भाई। मैं किसी से दबता नहीं हूँ, नाजायज मैं बोलता नहीं हूँ। ये यहीं के जो अपने आप को ये लपड़गुट्टा था, एक बाद में मैंने उसका नाम रख दिया था, बिछा के मारा मैंने, बिछा के। और अभी अगर हरकत बंद नहीं हुई तो फिर कुछ होगा, कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। मेरा मुझे कहा, मैं बिना पढ़ी लिखी थी, मेरे से कुछ पार्टी वालों ने, उसमें एक जसवंत नगर का भी नेता है और ये भी हैं, उसमें एक पुलिस ऑफिसर था, इन लोगों ने मिलके 1,40,00,000 रुपए मुझे चुनाव से दूर रखने के लिए, एक कोई गरीब लड़की से झूठ बुलवा लिया, उसने बयान दे दिया, उसने एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड दे दिया, उसने वीडियो बना के दे दिया। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, दस्तखत करा। अब उन लोगों को चिंता हो रही है तो सब खत्म हुआ जा रहा है, वही लोग कह रहे हैं कि न्याय में मुझे विश्वास है। मैंने आरक्षण लड़ा भाई, मैंने आरक्षण लड़ा, सरकार ने से जबरदस्ती करा के, पढ़ी लिखी नहीं थी, दस्तखत बयान है उसका, वो कन्फेशन कर चुकी है, वो कह चुकी है मुझे गलती से मुझे गुमराह करके लिखा, उसका रिकॉर्ड है था जब मुकदमा शुरू हुआ था। अब फिर चुनाव ऊपर, ये ऊपर कौन कर रहा है, यही लोगों ने लगवाया था पैसे से, कोई ना देने वो, और उसमें एफआईआर लग गई है। मजे की बात सुनो,
एफआईआर केस में लगी हुई है, मुझे पता नहीं अब किस स्टेज पे है। हाँ, लेकिन मेरे से कभी जब जो आईओ आया वो मुझे फोन कर देता था, मंत्री जी नमस्कार मैं। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत, टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विस मैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।